हेलो दोस्तों नमस्कार, हमारा चैनल यूट्यूब चैनल ऑटोमोटिव सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का जो कस्टमर का कंसर्न है, इंजन चेक लाइट का कंसर्न है, तो आप देख सकते हैं जिगजैग लाइट आ रहा है। तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं और किस चीज़ का प्रॉब्लम है, तो हमें कैसे चेक करना है। ये रेनो का क्यूट गाड़ी है, आप देख सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए मुझे को डायग्नोस टूल लगाना पड़ेगा, तो मैंने डायग्नोस टूल लगा लिया है। तो डायग्नोस टूल में जो DTC मिला है मेरे को, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ पर ये डिलीट नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए मेरे को ऑयल प्रेशर सेंसर पे वोल्टेज सप्लाई चेक करना है। तो मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट करके एक बार चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं वीडियो में, तो ये डिलीट नहीं हुआ, वापस अगेन से DTC शो कर रहा है। और व्हीकल स्टार्ट किया है तब भी चेक लाइट आ रहा है, तो इसको फाइंड करते हैं। आप देख सकते हैं ये दिखा रहा है 1DF में बैटरी वोल्टेज टू हाई। तो एक बार मैं इस कंडीशन को चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो कनेक्शन लगे हुए हैं प्रॉपर लगे हुए हैं, वायरिंग भी चेक कर लिए अच्छे हैं, जो हम देख सकते हैं कनेक्शन एक प्रॉपर है। मेरे की सप्लाई देखते हैं, आप देख सकते हैं रेल का लेवल भी पूरा है, वीडियो में दिखा रहा हूँ। मैंने मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक किया है, एक प्रॉब मैंने रेड वाली इस वायर पर लगाया, ग्रीन कलर का वायर है, और दूसरा मैंने ग्राउंड किया, तो मेरा प्रॉपर वोल्टेज है। तो मेरा पावर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार इसको कनेक्शन चेक करता हूँ, तो कनेक्शन चेक करके मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैंने कनेक्टर लगा दिया है, मैं आगे डायग्नोस टूल में चेक करता हूँ। तो फाइनली मेरे डायग्नोस टूल में मेरा जो DTC है वो येल्लो कलर में चला गया है। अब मैं आपको बताऊँगा जो फॉल्ट मिला था, मैंने इसका डायग्नोस किया तो इसके जो कनेक्शन थे, एक ऑयल टेम्परेचर सेंसर का लाइट था और एक दूसरा ऑयल प्रेशर सेंसर का लाइट था। तो कहीं ऑफ मार्केट में कहीं काम करवाया था इन्होंने, तो जो सेंसर की लोकेशन थी वो उल्टी सीधी लगी हुई थी। तो मैंने उसका कनेक्शन बदल के लगाया, तो मेरा प्रॉब्लम रिजोल्व हो गया। मैं व्हीकल स्टार्ट करता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ, उसमें कोई चेक लाइट नहीं है, मेरा प्रॉब्लम रिजोल्व हो गया है। और मैं क्लिप टूल से इसको इरेज भी कर देता हूँ, वैसे मेरा फॉल्ट वैसे ही चला गया है। मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, पहले में मैंने कैसे कनेक्टर कैसे थे और बाद में कैसे थे, तो मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट वाला 2 वायर का कनेक्टर था वो ऑयल प्रेशर सेंसर में लगा हुआ था, और जो 1 सिंगल वायर था वो ऑयल टेम्परेचर में लगा हुआ था। तो कहीं मार्केट में उल्टा सीधा लगा दिया था, तो मैंने इसका लोकेशन डायलॉजी में जाके देखा, देखने के बावजूद जो उसका लोकेशन मिला मेरे को तो उल्टा कनेक्शन मिला था। तो ऐसे अपन कई बार फंस जाते हैं, तो इस चीज़ में हमें थोड़ा सा एक सजेस्ट किया है मैंने वीडियो के अंदर, तो मेरा प्रॉब्लम फाइनली निकल गया है। तो आपको कैसे ऑयल टेम्परेचर सेंसर की लाइट आए तो कैसे सॉल्यूशन करना है वो मैंने इस वीडियो में दिखाया है। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो।